हेलो गेमर्स, वेलकम बैक एंड गाइस। आज के इस वाले एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं कोबलस्टोन फार्म। तो भाई साहब, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड गाइस, आप थंबनेल में देख के तुम समझ ही चुके होगे कि किस तरह से दिखने वाला है हमारा ये वाला फार्म। एंड भाई साहब, इस वाले फार्म को बनाने में ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगेगी, लेकिन भाई साहब इसको बनाने में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा का पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज के इस वाले वीडियो को। एंड गाइस, तुमको कुछ और भी दिखाना था यार मेरे को। तो गाइस, मैंने ये बनाया अपना एक छोटा सा वुल फार्म। एंड भाई साहब, इसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एक छोटा सा वुल फार्म में गाइस, एंड अगर आपको नहीं आता है, मैंने अभी तो इसका ट्यूटोरियल नहीं डाला है, लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी इसका ट्यूटोरियल भी डाल दूंगा। तो भाई साहब, तुम इसका प्रोडक्शन देख सकते हो। यहाँ से ये चेस्ट है, यहाँ से कलेक्टिंग सिस्टम है इसका। एंड भाई साहब, तुम देख सकते हो यार, कितने सारे कलर के वूल इसके अंदर आप तुमको देखने को मिल जाएंगे। एंड काफ़ी पूरी की पूरी चेस्ट भर चुकी है हमारी। एंड अभी होपर के अंदर जा रहा होगा हमारा जो भी सामान वगैरह होगा कुछ इस तरीके से। सो खैर गाइस, इस बात को छोड़ते हैं। अगर आप इस फार्म को ट्यूटोरियल हमारे देखने चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस, इसके साथ में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक गोल्ड फार्म। तो गाइस, अगर तुम उसको मिस नहीं करना चाहते, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, क्योंकि वो वाला फार्म भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के इस वाले फार्म को डिज़ाइन करना। तो गाइस, इसके लिए मेरे को कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली, काफ़ी कम चीज़ें चाहिए होगी। सबसे मेन चीज़ इसके अंदर वो है हमारे ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। मेरे पास 50 ऑब्सीडियन रखे थे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी ज़्यादा बना लेंगे। हमें लावा की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने काफ़ी सारे लावा बकेट रख रखे हैं यहाँ पे। एंड कुछ थोड़े बहुत और दूसरे सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वाले वीडियो को। तो बेसिकली गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि हम यहाँ पे बनाने वाले हैं हमारे इस वाले फार्म को। एंड गाइस, तुमको ये जो कोहरा दिख रहा है ना आसपास, ये हमारे शेडर का कमाल है। इस शेडर के कारण ऐसा ही होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बनाएंगे हम इस वाले फार्म को। एंड काफ़ी कम जगह चाहिए यार, तो हम कहीं पे भी बना सकते हैं थोड़ी सी जगह देख के। तो खैर गाइस, अभी नाइट हो चुकी है, मॉर्निंग में देखते हैं इस फार्म को बनाने को तैयारी। चलिए गाइस, अभी सो जाते हैं फटाफट से। एंड उसके साथ में गाइस यार, हमने जो ये वाला हमारा यहाँ पर जो पिछले वीडियो में हमने एक आयरन फार्म देखा होगा आपने, अगर पिछला वीडियो देखा है तो उस फार्म को मैंने थोड़ा सा चेंज किए, लोकेशन को थोड़ा सा दूर बना रहे बिल्कुल वहाँ पे। एंड उसके लिए मेरे को कुछ कोबल स्टोन की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हम इस फार्म को बना रहे हैं। तो गाइस, अभी सो जाते हैं यार फटाफट से, मैं यहीं पर सो जाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं चलेंगे हम। मिलते हैं मॉर्निंग में गाइस। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, इसके लिए तुमको थोड़ा सा ज़मीन के अंदर जाके डिग करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा गाइस, बिल्कुल भी कुछ भी मिस मत करना। आपको कुछ इस तरीके से डिग करना है। एंड गाइस, आपको यही प्रोसेस बिल्कुल नीचे तक करनी, मतलब आपको दो ब्लॉक तक का डिग करना है। एक यहाँ पे, देन यहाँ पे, एंड देन गाइस एक यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पर हम पहले कलेक्टिंग सिस्टम बनाने वाले हैं हमारा। तो उसके लिए गाइस, एक साथ में आपको क्या करना है, जैसे आपका ये वाला बन जाता है इतना वाला, उसके बाद आपको किसी एक साइड में आपको मतलब थोड़ा सा एक ब्लॉक आगे तक जाना है कुछ इस तरीके से। तो आप समझ चुके होंगे यार कि हमने किया क्या है। एंड देन अभी करना क्या है कि तुमको यहाँ पर होपर लगाना है, तो होपर लगा देते हैं फटाफट से। मैं चेस्टर से लाना भूल गया यार, चलते हैं फटाफट लेने। सो गाइस, आपको होपर को कुछ इस तरीके से लगाना है, आपको ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ पे, देन थोड़ा सा क्राउच होकर जस्ट इसके पीछे एक यहाँ पे लगाना है। एंड देन गाइस एक यहाँ पे लगाना है। एंड उसके साथ में गाइस, आपको एक यहाँ पे लगाना है, तो वो लगा देते हैं फटाफट से। वो हमको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाना है। एंड देन गाइस, जैसे ये लग जाए तो उसके बाद जस्ट आपको एक साइड में इधर भी लगाना है, एंड एक उधर लगाना है। सो गाइस, इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि इन सभी के ऊपर आपको एक एक ट्रैप डोर नहीं सॉरी गाइस स्लेब लगानी है आपको। एंड मे बी मैं स्लेब लाना भूल गया, मेरे को फिर से लेना पड़ेगा, सामान ले लेता हूँ एक साथ पहले मैं। सो गाइस, आपको कुछ इस तरीके से स्लेब लगानी है ऊपर, थोड़ा सा क्राउच होके सभी के ऊपर आपको स्लेब लगा देनी है, कि यहाँ पे देने की यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे। एंड गाइस, उसके साथ एक बात और, आपको यहाँ पे कुछ भी स्लेब वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आपको चार स्लेब लगानी है, एंड एक स्लेब इसके ऊपर भी लगानी है आपको। एंड बीच वाले भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन खैर आप लगा देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गाइस, इतना होने के बाद आप सभी आपको क्या करना है कि जो आपने इस आधा स्लेब लगाया है इसके ऊपर आपको वाटर डालना है। तो मेरे पास दो वाटर बकेट है, पहले अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेता हूँ फटाफट से। सो हमारा अनलिमिटेड वाटर सोर्स तैयार हो चुका है। देन अभी अभी को यहाँ से वाटर भरना है, एंड उसके बाद हमको इन सभी के ऊपर लगा देना कुछ इस तरीके से। आपको पांचों पे लगाना पड़ेगा। सो गाइस, इतना होने के बाद आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे लगाने हैं, आपको यहाँ पे लगाने हैं ऑब्सीडियन को। यहाँ पे ब्लॉक तोड़ना है आपको, एंड देन ऑब्सीडियन लगा देना है, एंड फिर वहाँ पे लगाना है आपको। देन गाइस, इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो ये ऑब्सीडियन लगाए हैं इनके ऊपर आपको कोबल स्टोन लगाने हैं कुछ इस तरीके से।
आपको 4 ब्लॉक तक ऊपर जाना है, तो वो कर देते हैं फटाफट से। पहले 1, 2, 3, 4। देन गाइस अभी क्या करना है आपको कि आपको सिंपली यहाँ पे फिर कोबलस्टोन को लगा देना है, यहाँ पे लगाना है आपको। सॉरी गाइस, आपको यहाँ पे कोबलस्टोन लगाना है एंड देन एक यहाँ पे लगाना है कोबलस्टोन। सॉरी गाइस, ऑब्सिडियन प्लेस करने हैं आपको यहाँ पर 4 ब्लॉक तक, 1, 2, 3, 4। सिमिलरली गाइस आपको इस साइड में भी प्लेस करना है यहाँ पे, यहाँ पे। सो गाइस इतना होने के बाद आपको डिज़ाइन समझ में आ चुकी होगी कि मैंने किया क्या है। यहाँ पे मैंने मतलब 4 ब्लॉक ही जो बीच में दिख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कोबलस्टोन प्लेस किए हैं एंड देन वहाँ पे गाइस हमने प्लेस किया है हमारे ऑब्सीडियन को बिल्कुल इनके बिल्कुल वहाँ पे, एंड कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आ चुकी है यहाँ पे। तो भाई साहब मेरे को थोड़ा सा ऊपर चल के दिखाना पड़ेगा तुमको। सो मेक श्योर गाइस आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि हमने किया क्या है, मतलब आप समझ चुके होंगे अभी तक हमने क्या किया है। इसके अंदर हम 4 ब्लॉक ऊपर तक आए हैं एंड उसके नीचे हमने होपर का और स्लेब का कनेक्शन किया है एंड देन गाइस इसके बाद की प्रोसेस हमें आगे बढ़ानी है अभी। सो गाइस आपको करना क्या है कि आपको किसी एक साइड मतलब चारों साइड इसकी सेम है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है, तो आपको किसी एक साइड में कुछ इस तरीके से आपको स्टेयर्स लगाने हैं कुछ इस तरीके से। देन गाइस सिमिलर जैसा हमने इधर किया जस्ट इसके अपोजिट साइड में बनाना है फिर हमको, मतलब इधर कुछ नहीं करना है हमको, इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर फिर से स्टेयर्स को लगा देना है। देन गाइस अभी करना क्या है आपको कि जो हमने ये ब्लॉक लगाए मतलब जो हमारे स्टेयर लगाए इनके बीच में यहाँ पर हमको वाटर लगाना है। तो मैं पहले एक ब्लॉक लगा लेता हूँ जिससे कि मैं इस वाटर के साथ फ्लो होके ना जाऊँ, मतलब कुछ इस तरीके से लगाना है आपको। ध्यान से देखिए गाइस, एक यहाँ पे इस तरह से गाइस आपको सभी पे लगाना है एक एक करके। सेम जैसा गाइस हमने इधर किया है बिल्कुल जस्ट पीछे वाले स्टेयर के साथ भी हमको यही करना है। देन गाइस अभी करना क्या है हमको कि हमको जो पानी फ्लो हो रहा है आइट साइड इस सबको पैक करना पड़ेगा, मतलब बंद करना पड़ेगा। तो इसको हमें कुछ इस तरह से ग्लास के ब्लॉक लगा के बंद कर सकते हैं, इस तरह से करना पड़ेगा हमको, चाह ऊपर तक करना पड़ेगा। सो गाइस ऑलमोस्ट हमारा एक साइड का एरिया मतलब इस साइड का एरिया है ना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, मैं बता देता हूँ आपको। सो गाइस इस साइड का मैंने इधर से ग्लास लगा दिया है, इधर से लगा दिया है, सेम हमको पीछे भी करना है, वो भी कर देते हैं फटाफट से। सो गाइस कुछ इस तरीके से मैंने मतलब एक ब्लॉक यहाँ पे लगाया, एक जस्ट इसके इस साइड में लगाया जिससे हमारा वाटर है जो हमारे स्टेयर उनके बीच में पैक होकर रुक गया है। एंड देन अभी हमको करना क्या है कि जो साइड हमने इधर लगाए थे, इधर स्टेयर थे और इधर स्टेयर थे, तो अभी हमको जो बीच वाली जगह है मतलब यहाँ पे और यहाँ पे लावा लगाना है, तो वो लगा देते हम फटाफट से। सो आई होप गाइस आप यहाँ तक समझ चुके होंगे एंड आप में से बहुत सारे जो समझदार होंगे और बहुत माइनक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा ही जानते होंगे वो भी समझ चुके होंगे कि हमने किया क्या है इसमें और किस तरह से काम करने वाला हमारा ये वाला पंप। सो खैर गाइस हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आगे के स्टेज को कम्प्लीट करते हैं, तभी हमको ऊपर चलना होगा। सो गाइस अभी तुमको करना क्या है कि इसको पूरा को पूरे के पूरे को आपको ऑब्सीडियन से पैक करना है कुछ इस तरीके से। सो गाइस हमने कुछ इस तरीके से सर्कल बना लिया, मतलब हमारे जो सेंटर है अब सेंटर में 4 ये पिलर निकल के आ चुके हैं जो हमारे कोबलस्टोन के हैं, इनके ऊपर भी हमको एक एक ऑब्सीडियन को प्लेस कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड देन गाइस अभी हमको करना क्या है कि ये इतना हो जाने के बाद में अभी हमको यहाँ पे फिर से एक और लेयर बनानी है हमारे ऑब्सीडियन की कुछ इस तरीके से, एंड इसको इसको इस तरह से पूरा का पूरा पैक कर देना है।
सो गाइस हमारे बीच में बस एक होल बचा है, भी आपको दिख रहा होगा, ये हमको जगह रखनी है। इस जगह को ये क्यों रखनी है हमको बाद में आपको बाद में बताऊंगा। एंड देन अभी हमको करना क्या है कि आइट साइड यहाँ पर ग्लास लगा देना है कुछ इस तरीके से। देन गाइस इतना हो जाने के बाद में हमको फिर यहाँ पे करना है, फिर से हमको ऑब्सीडियन लगाना है बिल्कुल यहाँ पे। मेरे पास ऑब्सीडियन थोड़े से कम पड़ गया यार, मेरे को लाने पे और बनाने पड़ेंगे, वो बना लेता हूँ फटाफट से मैं अभी। एंड गाइस अगर आप चाहे तो यहाँ पर ऑब्सीडियन की जगह कोबलस्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल लास्ट जगह पे यहाँ पे, पर मेरे पास अभी ऑब्सीडियन है तो मैं इसी से काम चलाने वाला हूँ जिससे कि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। सो गाइस ये इस तरह से हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि अब आपको एक छोटा सा काम और करना है, मतलब हमको ये वाला जो कोबलस्टोन, ये वाला जो हमारा ऑब्सीडियन है इसको हमको तोड़ना पड़ेगा जिससे कि हम इसके यहाँ से थोड़ा सा अंदर जा सके। एंड अंदर क्यों जाना है गाइस जो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, तो मैं पहले इसको फटाफट से यहाँ से तोड़ लेता हूँ। तो इसके लिए मेरे को डायमंड की एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इससे नहीं होने वाला है, इसको तोड़ लेते हैं फटाफट। सो ऑलराइट गाइस हमारे यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर करना क्या है आपको कि एक डर्ट लगा देनी है बिल्कुल यहाँ पे, लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पे जंप करना है कुछ इस तरीके से। एंड देन गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक होपर लगाना है, सॉरी गाइस होपर नहीं, आपको एक डिस्पेंसर लगाना है कुछ इस तरीके से। एंड देन गाइस फिर से आपको ऊपर चला जाना है। उससे पहले गाइस एक छोटा सा काम और करना है आपको, आपको यहाँ पर लगाना है एक ऑब्सीडियन कुछ इस तरीके से, इतना कर देना है गाइस। इतना करने के बाद आप वापस से बाहर आ सकते हैं, कोई मतलब नहीं। अब तो मैं फटाफट से बाहर चला जाता हूँ अभी। एंड गाइस बाहर आने के बाद में आपको फिर से इनको तोड़ देना, इनका कोई काम नहीं है। सो गाइस इतना होने के बाद आपको फिर से यहाँ से पैक कर देना, मतलब अब पहले हमने डिक किया था क्योंकि हमको यहाँ पर जरूरत है डिक करने की, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं था, हम यहाँ पर लगा देते हैं ऑब्सीडियन को फिर से। एंड देन गाइस इसके ऊपर हमको लगाना था एक कोबलस्टोन, सो कुछ इस तरीके से दिखने लग गया होगा वो हमारा ये। एंड देन गाइस इसके ऊपर वाला जो ये है इसका भी कोई काम नहीं है अभी, तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं। एंड देन गाइस इसके बाद एक छोटा सा काम और करना है, हमको यहाँ से करनी है वायरिंग। तो वायरिंग के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है 12 रिपीटर की। एंड देन उसके साथ में मेरे को चाहिए होंगे कुछ रेडस्टोन, तो ये लगा देते हैं फटाफट से। तो मतलब कुछ इस तरीके से करना है आपको, मतलब यहाँ पे इस तरह से लगाना है रिपीटर आपको यहाँ पे। देन गाइस अभी करना क्या है कि आपको इन सभी को रिपीटर्स को इसके थर्ड स्टेज पे सेट करना है आपको कुछ इस तरीके से। सो गाइस अब वेदर खराब हो चुका है, मेरे को बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिख रहा है आउटसाइड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा करीब करीब हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। एंड देन गाइस अभी करना क्या है कि इसके ऊपर हमको एक लीवर लगाना पड़ेगा जिससे कि हम हमारे इस पूरे को यहाँ से कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए काफ़ी सिंपल सा काम है, हमको यहाँ पर एक लीवर बना के लगाना पड़ेगा। सो गाइस आपको थोड़ा सा क्राउंच होकर यहाँ पर एक लीवर लगा देना है। एंड देन गाइस जैसे अभी लग जाता है उसके बाद आपको इसको एक्टिवेट कर देना है, जिससे क्या होगा गाइस कि ये भले हमारी अगर ये लाइटिंग चलती भी रहेगी ना तो हमारे यहाँ से कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा। एंड गाइस यार मेक श्योर तुम ये मत बोलना आपकी तुम TNT डुप्लीकेटर का यूज़ कर सकते थे, लेकिन भाई साहब ये माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन है, यहाँ पर डुप्लीकेटर काम नहीं करता है, इसलिए मैंने यही सिंपल सा अरेंजमेंट किया है। एंड देन अभी हमको करना क्या है गाइस कि हमको इसको एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ेगी एक ऑब्जर्वर की, इसको यहाँ पे लगाना है। एंड देन गाइस सिमिलरली आपको ऊपर चढ़ जाना है, ऊपर चढ़ने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है जिससे कि इसको ऑब्जर्व करेगा और इस पूरी सीरीज को एक्टिवेट कर देगा कुछ इस तरीके से। सो गाइस देख सकते हैं ये एक्टिवेट हो चुका है ना, एक साइकिल पूरी घूम के इधर से उधर आ रही है। एंड अभी हमका कोई काम नहीं है, अब इसको तोड़ देते हैं फिर से। सो गाइस इतना होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मतलब हमारा जो लाइटनिंग है बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है। एंड अभी हमको क्या करना है कि कुछ TNT लेकर आने हैं और यहाँ पे डालने हैं। सो गाइस एक बात और बता दूं मैं तुमको कि TNT लाने के बाद में ना यहाँ पर तुम्हें TNT की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो भाई यार तुमको TNT तो तुम्हारे पास होने ही चाहिए, अगर नहीं भी है तो तुम कहीं से ना कहीं से उसका अरेंजमेंट कर सकते हो। एंड बिना TNT से ये फार्म वर्क नहीं करता, ये तुमको अभी बता देता हूँ मैं। सो मेरे पास 2 स्टैक रखे हैं TNT के, तो वो ले लेते हैं फटाफट से। मेरे पास 2 स्टैक रखे हुए हैं। एंड अभी इसको ऊपर लगा देना। एंड एक बात ध्यान रखना गाइस, आप यहाँ पर डुप्लीकेटर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में जो डुप्लीकेटर वो काम नहीं करता है, वो डुप्लीकेटर है वो सिर्फ काम करता है हमारे
पॉकेट एडिशन में, सॉरी गाइस जावा एडिशन में। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मेरे को पक्का उसी से पता चला कि ये जावा एडिशन में काम करता है। तो मैं ये TNT लगा देता हूँ यहाँ पे। एंड गाइस अब कुछ भी मिस्टेक होती है तो भाई यार बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। तो मैं पहले ये वोट मतलब पानी के रुकने का वेट करता हूँ, देन उसके बाद हम इसको एक्टिवेट करके देखेंगे। A few moments later. So guys, हमारे ये फार्म बनने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा होगा एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। तो लेकिन देखते गाइस यार ये वर्क करना चाहिए, अगर गलती से कुछ भी मिस्टेक हुई होगी ना तो पूरा फार्म फटने वाला है हमारा भी TNT से। सो गाइस हमने जो हॉपर का कनेक्शन किया तो उस टाइम पर हम हमारे चेस्ट लगाना भूल गए थे एंड जिधर हमारा हॉपर का कनेक्शन आ रहा है उधर हमको एक चेस्ट प्लेस कर देनी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं एक चेस्ट लगा देता हूँ अभी एंड देन होगा तो बाद में और भी लगा दें। देखते हैं इसका प्रोडक्शन स्पीड कैसे क्या है। मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया, मतलब इसको मैंने अपने अंदाजे से बना के देखा था, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दे रहा था। लेकिन देखते हैं गाइस अभी एक्टिवेट करता हूँ मैं इसको। मेरे पास TNT के बस 2 स्टेक थे, अगर आपके पास ज़्यादा स्टेक है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो हमको फटाफट ऊपर चलते हैं अभी। सो गाइस अभी मैं एक्टिवेट करने वाला हूँ इसको। जैसे हम लीवर को ऑन करेंगे, सॉरी गाइस ऑफ करेंगे, तो ये वर्क करना शुरू कर देगा। सो गाइस देख सकते हैं अभी यहाँ से लाइट का कनेक्शन तो गया है लेकिन देखते हैं वर्क करना शुरू किया है। सॉरी गाइस मेरे को लगी, मतलब हमारा पहला TNT फट चुका है, मेरे को कहीं से भी लीकेज नहीं दिख रही है अभी। मतलब हमारा फॉर्म वर्क करना तो शुरू कर दिया है, देखते हैं भाई TNT आ रहा है कि नहीं आ रहा अंदर। एंड गाइस आप इसके पास में जाएंगे तो पक्का आपको थोड़ा बहुत डैमेज मिलेगा। लाइक मैं बता दें आपको, जैसे मैं यहाँ तक आता हूँ तो देखना मेरे को डैमेज मिलेगा, ये जैसे ब्लास्ट होगा ना एक छोटा सा डैमेज मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से। तो आपको थोड़ा दूर रह के चेस्ट वगैरह में सामान देख लो, देख सकते हैं गाइस आप। ये फिर लगी मेरे को यार, इतना पास से भी लग रही है। सो गाइस आपको मैं यहाँ से उठा के देखता हूँ। आप देख सकते हैं गाइस हमारे ये कोबल स्टोन आना शुरू हो चुके हैं। ये हमारे कुछ पुराने सामान रह गए इसके अंदर, इसको यहाँ पर डाल देते हैं। एंड आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा फास्ट कोबल स्टोन आ रहे हैं, 20 हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर हुई गाइस, अभी कुछ 20 ब्लास्ट हुए हैं हमारे, 22, 23, 24 समथिंग चल रहा है। मतलब हमारा फार्म वर्क कर रहा है। एंड गाइस अब देखते हैं हम कि हमारे 2 स्टेक्स कंप्लीट होने के बाद में जब ब्लास्ट हो जाते हैं तो कितना हमारे कोबल स्टोन इकट्ठा हो जाते हैं। तो अभी उनको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, तो वो कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पर। सो गाइस अभी थोड़ी देर हुई है ना, देखते हैं भाई चल के हमारे TNT अभी फट रहे हैं, सारे TNT खत्म नहीं हुए। लेकिन मैं वेट करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा एंड अभी काफ़ी सारे TNT बचे हुए हैं यार। सो अभी देखते हैं हम। एंड गाइस देख सकते हैं हमारे 3 स्टेक्स फुल हो चुकी है और 4th स्टेक्स में हमारा सामान कोबल स्टोन जा रहा है। तो भाई साहब काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है ये वाला फार्म एंड मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गाइस, बता दूँ मैं आपको, मेरे को 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट में इतना सारा कोबल स्टोन हो चुके हैं हमारे पास। तो मतलब यार काफ़ी सही चीज़ें ये हैं एंड भाई पॉकेट एडिशन के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो भाई साहब अगर वीडियो अच्छा लगा है और फार्म अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड भाई साहब चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने वाले हैं गोल्ड फार्म एंड भाई साहब इसकी भी प्रोडक्शन स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो भाई साहब उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो गाइस आई होप यार आपको समझ में आ चुका होगा यह वाला फार्म एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।